नमस्कार साथियों, मैं हूं एडवोकेट अशोक चौधरी। साथियों, नए टॉपिक पे बात करेंगे, नया जॉब, नई कंट्री, जॉब से रिलेटेड। जी हाँ साथियों, बहुत सारे लोगों की रिक्वायर होती है सर की सिक्योरिटी जॉब। सबसे ज्यादा फेमस है दुबई, दुबई सिक्योरिटी जॉब के नाम से बहुत सारे वीडियो भी डलते रहते हैं, वैकेंसी आती रहती है, ऑफर लेटर भी लोगों के आते रहते हैं, क्योंकि दुबई में सैलरी थोड़ा अच्छा मिल जाती है सिक्योरिटी गार्ड से रिलेटेड। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड का एक माइनस पॉइंट है जो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। अगर आप भी इस जॉब में इंटरेस्टेड हैं, जाना चाहते हैं, तो क्या आपके पास क्वालिफिकेशन, किस तरह से आप इसको फॉलो करोगे तो ये जॉब आपको मिल सकता है। बाकी घर बैठे अगर कोई जॉब दे रहा है तो भाई 100% फेक है, इसके चक्कर में आके अपना पैसा और टाइम खराब करना है। अगर आप इस जॉब में अप्लाई करना चाहते हो कतर से रिलेटेड, तो आपको बहुत सारी जानकारी मैं दूंगा, शायद आपको ये काम आ सके वीडियो। ठीक है साथियों, तो अपन शुरुआत करते हैं साथियों की सिक्योरिटी जॉब इन कतर, कतर से रिलेटेड बात करेंगे सिक्योरिटी जॉब में। सबसे पहले मैं बता दूं, अगर इंटरव्यू आपका है, इसमें सबसे पहले इंटरव्यू होता है, क्लाइंट द्वारा इंटरव्यू होता है। इंडिया में कोई बंदा वहां से डेलीगेशन आता है, परमिशन गवर्नमेंट से लेनी होती है, उसके बाद ये इंटरव्यू होता है। अगर इंटरव्यू में आप इंटरव्यू में जा रहे हो तो क्या कंडीशन आपके ऊपर लागू होती है, क्या आपका अग्रीमेंट हो सकता है, इन चीजों पर अपना बात करेंगे। कोई अगर घर बैठे भाई बिना इंटरव्यू के कोई जॉब दे रहा है, ऑफर लेटर दे रहा है, तो आप समझ सकते हैं ये जॉब क्या है। सिक्योरिटी गार्ड में क्या करना होता है भाई, आपने सिक्योरिटी गार्ड का मतलब अपनी हिंदी में इसको चौकीदार बोल सकते हैं। गार्ड, गार्ड का मतलब सुरक्षा, किसी सामान की या किसी भी चीज की सुरक्षा करना। बॉडी गार्ड भी बोल सकते हो, सिक्योरिटी गार्ड एक बॉडी गार्ड भी होता है जो लोगों की सुरक्षा करते हैं, उसको बॉडी गार्ड बोलते हैं। जो सामान की सुरक्षा करते हैं, किसी संपत्ति की सुरक्षा करते हैं, उनको गार्ड भी बोल सकते हैं। सिक्योरिटी यानी उसकी सुरक्षा रखना, ठीक है। तो ये आपका जॉब से रिलेटेड होना चाहिए। इसमें बात बता दूं साथियों, ये एक टेस्ट, इसमें इंग्लिश बहुत जरूरी है आना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अगर इंग्लिश नहीं आ रही है तो भाई इम्पोसिबल है। दुबई की भी सेम कंडीशन है, सिक्योरिटी गार्ड में अगर आप दुबई में जाके जॉब लोगे तो बहुत खर्चा होता है। इसमें आपका 1.5-2 लाख रुपए खर्चा पड़ जाता है, वहां पे टेस्ट वगैरह देना पड़ता है, एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, उसका बहुत पैसा लग जाता है, 5,000 तरह उसका खर्चा। अब लोग तो कमेंट यहां पर भी कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई यही है। इसमें MOI एक टेस्ट होता है इन कतर में। अगर आपको इंग्लिश आती है तो ये टेस्ट आप आराम से क्लियर कर सकते हो, क्योंकि ये टेस्ट होता है इंग्लिश में। एक वो एक नॉर्मल, आप बोलोगे सर हमें तो टेस्ट नहीं किया, हम तो जॉब कर रहे हैं, भाई वो जॉब दूसरे तरीके से है। आप गए किसी दूसरे ट्रेड में थे, कंपनी ने उठा के आपको लट दे के गार्ड बना दिया रोड के ऊपर, या फिर कंस्ट्रक्शन लाइन में आप किसी खड़े हो मोड़ के ऊपर, वो सिक्योरिटी गार्ड अलग होता है। ये सिक्योरिटी गार्ड का वीजा ही सिक्योरिटी गार्ड का इंडिया से लग के जाता है, ये जेन्युइन काम होता है। सिक्योरिटी गार्ड का सर्टिफिकेट मिलता है। एक वो होता है कि मैं गया किसी दूसरे काम में था, मुझे सिक्योरिटी गार्ड बना दिया, वो वैल्यू नहीं है। वैल्यू आपका पासपोर्ट में वीजा देखो कौन सा है, लेबर का लगा है। सिक्योरिटी गार्ड का जॉब कर रहे हो, 2 साल बाद घर आओगे ना तो आप लेबर ही रहोगे, आप सिक्योरिटी गार्ड नहीं रहोगे, समझ गए बात को। इसमें इंडिया से सब कुछ होके जाता है, अग्रीमेंट ऑफर लेटर वगैरह जितना वीजा सब कुछ आता है, सिक्योरिटी गार्ड के नाम से आता है, समझ गए बात को। तो ये टेस्ट क्लियर करना जरूरी है। इंग्लिश नहीं आती है तो भाई पार नहीं पढ़ने वाली, छोड़ दो इसको, दूसरे जॉब में ट्राई कर सकते हो। हाइट की बात करें तो 5'7" 6-7 इंच होनी चाहिए आपकी हाइट। अगर इससे कम है तो आपका काम नहीं बनने वाला, आप दूसरी जॉब में ट्राई करें। इंग्लिश मैंने बता दिया, हाइट के साथ में इंग्लिश का मस्ट होना जरूरी है, क्योंकि इंटरव्यू में आपसे सवाल करेंगे, तो इंग्लिश नहीं आएगी तो हाइट कोई काम की नहीं रहेगी, तो ये भी आना जरूरी है, ठीक है सर। ड्यूटी की बात करें तो सिक्योरिटी गार्ड में ड्यूटी भैया 8 घंटे भी होती है, 10 घंटे भी होती है, 12 घंटे भी होती है, वो कंडीशन पे और सिचुएशन पे डिपेंड करता है। कम से कम आप इसमें सैलरी की बात करें तो अच्छी सैलरी इसमें मिल जाती है, लगभग 1500-1400 कतरी रियाल आपको आराम से मिल जाती है। तो इंडियन करेंसी की बात करें तो 30,000 के समथिंग बन जाता है आराम से, तो ये सैलरी ड्यूटी के हिसाब से बन जाती है। बाकी आप 12 घंटे ड्यूटी करोगे तो ओवर टाइम में कन्वर्ट हो जाती है, अगर कम करोगे तो कम हो जाती है। तो कल आप में सेम पगार है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। 2 साल का आपका वीजा आपको मिल जाता है, प्लस आपको अकोमोडेशन, रहना खाना, फूड वगैरह मिल जाता है, खर्चा वगैरह, आने जाने की टिकट कंपनियां बहुत सारी अच्छी होती है वो दे देती है, बाकी कहीं नहीं भी देती तो भाई खुद का लगेगा। तो ये प्रोसेस है सिक्योरिटी गार्ड से रिलेटेड, मैंने कतर से रिलेटेड बताया है। अगर आप कतर इस जॉब में जा रहे हैं, कोई आपको एजेंट आपको ऑफर लेटर दे रहा है, तो उसको चेक कर लीजिए, थोड़ा देख लीजिए। सच्चाई यह है
इसमें मैंने मेरे हिसाब से इंक्वायरी दे दी है, फिर भी कोई आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर दें, वीडियो के बाद हम आंसर देने की कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, साथ में चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन का जो बटन उसको दबा दे, ताकि हर रोज सभी इसी प्रकार की सही जानकारी, सही मोटिवेशन वीडियो आपके पास पहुंचते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।